हे गाइस वेलकम बैक। और दोस्तों आज हमें जाना है भाई पेट शॉप, तो भाई अभी निकलते हैं हमारी एफजी लेके। तो चलो यार, मुझे पहले ना मेरे दोस्त को पिकअप करना है, फिर हम दोनों जाने वाले हैं पेट शॉप को, क्योंकि मेरे दोस्त को भी कुछ एसेसरीज वगैरह लेनी थी। तो यार हमने प्लानिंग किया कि भाई वो भी चलेगा और मैं भी चलूँगा। तो भाई अभी स्टार्ट करते हैं बाइक और भाई चलते हैं। तो दोस्तों अभी सीधा मिलते हैं भाई पेट शॉप को, पहले मैं मेरे दोस्त को पिकअप करता हूँ। तो भाई मैंने मेरे दोस्त को पिकअप कर लिया। तो भाई अभी ना यार एक मन में एक ही होती है भाई, जब हम पेट शॉप में जाते हैं ना यार, एक अलग ही लेवल का एक अंदर ही होता है भाई, कि क्या होता है यार, मतलब ऐसे एक्साइटमेंट होती है कि भाई हम जाने वाले भाई कुछ अपनी फेवरेट जगह पे, मतलब जहाँ पे हमें सुकून मिलता है यार। ठीक है, मुझे पेट शॉप जाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब यार एक वहाँ पे जाके एक अलग ही महसूस होता है यार, मतलब वहाँ पे जाके एक शांति मिलती है भाई मन को, और हमें न्यू पेट्स वगैरह, न्यू फिशेस देखकर और अच्छा लगता है भाई। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जाने में और अच्छा लगता है भाई, कुछ अलग अलग वराइटीज़ की, कुछ अलग अलग फिश वगैरह, कुछ पेट्स वगैरह आए होंगे तो वो देखने के लिए और मज़ा आता है। मतलब एक भाई एक अलग ही भाई जो सच्चा हॉबिस्ट होगा ना मेरे जैसा, भाई वो जानता होगा भाई क्या होता है भाई पेट शॉप जाने का। तो भाई चलो अभी चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ भाई अभी पेट शॉप में, जो कि हमारे धुले में है। तो भाई यहाँ पे हमें हमारे मैंगो के लिए फीमेल लेनी है बजिस की। तो पहले यार मैं स्टॉक अवेलेबल कितना क्या है मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे कोई फिश अच्छी लगी तो भाई मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश के साथ रेड कैप गोल्ड फिश है लेनी है यार अपने को, सिर्फ अपने सेटअप करना है। और यहाँ पे कलर वीडियोज़ है जो कि मरून नहीं, शायद पिंक कलर में, शायद से मुझे नहीं पता कौन सा कलर है। और ये है भाई शुभम कीन गोल्ड फिश, और यहाँ पे फाइटर फिश थे। और यहाँ पे क्या यार, ये मिल्की कोई है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिख रही थी। और यहाँ पे बैलून मॉली भाई, वाओ यार, वाइट और ब्लैक कलर में यार, ये ले लूँ या नहीं ले लूँ देखते हैं भाई। और यहाँ पे है भाई जेब्रा फिश, यहाँ पे है मॉली फिश, जो कि मेरा मन कह रहा है कि यार मॉली फिश ले ले भाई, ले ले देखते यार। और यहाँ पे भी वही है सेम साइज की शुभमकिन। और अभी हमें मैंगो के लिए कोई इसमें से कोई चुन लेंगे जल्दी से जल्दी, पहले हम स्टॉक ले लेते, देखते हैं भाई क्या क्या अवेलेबल है। और यहाँ पे ढेर सारे बजेज है, मतलब हमें चॉइस बहुत सारी है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे कॉकोटेल भी है, जो कि हमें हमारे एक कॉकोटेल है उसके लिए ऐड करना है फीमेल, बट अभी नहीं यार। यहाँ पे डायमंड डब्स है, और यहाँ पे है लोबर्ड्स, लोबर्ड्स के नीचे है क्या है भाई, लोबर्ड्स के नीचे लोबर्ड्स ही है यार, अलग अलग वराइटीज़ के लोबर्ड्स है। और यहाँ पे नहीं सॉरी बजेज है, बजेज है ये बजेज है, जो कि देखते यार मुझे वाइट कलर अच्छा लगा था वहाँ पे। यहाँ पे भी येल्लो कलर के लोबर्ड्स है, और यहाँ पे है फिंचेस, जो कि हमें ये भी ऐड करने हैं हमारे सेटअप में। और यहाँ पे क्या है यार, ये सन नहीं कुछ कन्नूर थे यार ऐसा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे है जाओ फिंच, और यहाँ पे है कौन से यार, ये लोबर्ड्स ही है। और यहाँ पे ढेर सारी कैट्स है यार, कैट्स के छोटे छोटे बेबीज है, वाह इतना अच्छा है यार, मेरे दोस्त को अच्छा लग गया यार अभी क्या कहूँ। और यहाँ पे है भाई गोल्ड फिश का ढेर सारा, मतलब स्टॉक अवेलेबल है, और सारे के सारे एक्टिव है यार, वाओ यार। हमारे पास फ़िलहाल तो अभी गोल्ड फिश है बड़ी साइज़ की, तो यार इनको लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और यहाँ पे है कुछ नहीं है यहाँ पे बाकी, तो यहाँ पे तो गोडाउन लग रहा है मुझे, मतलब यहाँ पे सब फिश स्टॉक में रहती है, बहुत ज़्यादा आती। तो यार दोस्तों मुझे काफ़ी सारे भाई कहते हैं कि भाई आप कोई बिल्ली वगैरह रख लो, कोई कैट वगैरह बेबी रख लो, बट यार मेरे ना घर वाले नहीं मानते यार बिल्कुल भी कैट डॉग रखने के लिए, इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ। मेरे पास खुद भाई लैब है भाई दो, ठीक है, एक ब्लैक एक वाइट, और भाई मैंने खुद वो फार्म में रखा है यार, मैं घर पर नहीं रख सकता, इसका यही कारण है। तो दोस्तों इस वाले केज में और हम हमारे कौन सा यार, हमारे मैंगो के लिए कोई मैं फीमेल ढूंढ रहा हूँ, और मैंगो के पापा के लिए भी मैं कोई इसमें से दोस्त ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मुझे एक वाइट कलर का जो बजेज है मुझे बहुत अच्छा लग गया यार, कहाँ पे है वो अभी दिख तो नहीं रहा यार, बट मैं उसे पक्का लूँगा यार, मैंगो का दोस्त रहेगा क्योंकि वो मेल है। और यहाँ पे और देखते यार, क्योंकि मैंगो का जितने ज़्यादा दोस्त होंगे उतना ज़्यादा मैंगो हमारा खुश होगा, ठीक है। कौन सा कलर था हमारा,
फुल ले लोगे तो ब्लू का। हाँ चल ब्लू ही एक फिक्स। अभी मैंगो के लिए देखना है अपने को, मैंगो को तो कौन सा येल्लो का। हाँ येल्लो, हाँ मैंगो का चाहिए, परफेक्ट है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, तो देख सकते हो दोस्तों हम इसमें हमारे मैंगो और मैंगो के दोस्त को ले, नहीं सॉरी 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 मैंगो के दोस्तों को मैं उसमें पैक करके लेके जाऊंगा, ठीक है। यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा दूर भी जाना है यार, इसलिए थोड़ा मैंने कंफर्टेबल ले लिया है। और हम थोड़ा इवनिंग में निकलेंगे, मतलब धूप भी नहीं लगेगी हमें, और ऐसा कुछ ऐसा मैंने जुगाड़ वगैरह किया है। और देखते हैं भाई, अभी अंकल तो पकड़ रहे हैं, पकड़ने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारे हमने बजीज भी पैक कर लिए अच्छे तरीके से कंफर्टेबल, और यहाँ पे मैंने ब्लड वॉर्म भी ले लिए हमारे फिश के लिए, और मैंने इनके लिए कुछ फूड भी ले लिया यार, क्योंकि हमारे पास बजीज का जो फूड होता है वो ख़त्म हो गया था, तो इसकी वजह से मैंने अच्छा क्वालिटी का फूड भी ले लिया। तो अभी हम निकल चुके हैं, और भाई मुझे यार रात हो जाएगी यार जाते जाते, क्योंकि हे गाइस फाइनली मैं घर पे पहुंच गया यार, कल बहुत ज़्यादा रात हो चुकी तो इसकी वजह से मैं आपको अपडेट नहीं दे सका। और दोस्तों मैंने ना ये छोटे केज से खोल कर इनको मैंने बड़े केज में रख दिया था रात को, तो यार देख सकते हैं, और हमारे सेटअप में हमारे मैंगो के दोस्त भी आ गए, अभी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। तो अभी मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा यार इनको, मैं जल्दी से जल्दी मैंगो के पास छोड़ता हूँ। पहले हमारे मैं रैबिट्स को खाना देता हूँ पहले यार, क्योंकि ना मैंने कल रात को नहीं दिया था यार इनको, मैंने आज मॉर्निंग का दे देता हूँ। चलो चल ब्लैकी, चल स्नो, चलो चलो चलो। और ना दोस्तों हमारे जो ब्राउनी है ना बहुत जल्दी कुड़क होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई आपकी जो ब्राउनी ना अभी कुड़क हो जाएंगी, आप उनको अंडे पर ना बिठाओ, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और वो अंडे हैच नहीं करेगी। और ब्राउनी के ना फर्स्ट टाइम एक देने वाली दे रही है फर्स्ट टाइम, इसकी वजह से हम है ना ब्राउनी को अंडों पर नहीं बिठाएंगे। जैसे कि हमने लिली को अंडों पर बिठाएगा, तो लिली को भी हमने कैंडलिंग करनी है सब अंडों की। जो अंडे अच्छे रहेंगे हम उनको रखेंगे, और जो अंडे ख़राब रहेंगे हम उनको फेंक देंगे। तो देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, चलो 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 बाकी का हैमस्टर को डाल देते हैं यार, ये पूरा नहीं खाते ना, गंदगी वगैरह करते हैं हैमस्टर, सॉरी हमारे गिनी पिग पूरा खा जाते, इनके लिए इतना काफ़ी हो गया, इन बाकी गिनी पिग को दे देते। चलो भाई मैं धूप में कलर देखना था, कितना सही दिखता है यार, वाह मैंने कलर किया है। तो दोस्तों अभी गिनी पिग का भी हो गया, तो फाइनली अभी हमारे जो बजीज है जो हमारे, अभी इनका भी हमें कुछ नाम रख देना होगा यार। सबसे मुझे ना यार वाइट वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार, मैंने ना फिर से इसको ले लिया, मतलब मैंने सिर्फ दो फीमेल ली थी हमारे मैंगो और मैंगो के पापा के लिए, वो येल्लो वाली मैंगो के लिए ली थी, और जो ब्लू वाली थी हमारे मैंगो के पापा के लिए थी, और मैंने और एक वाइट वाला जो है ना मेल ले लिया, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें अभी फीमेल लेना होगा, क्योंकि ये मेल सिंगल रह जाएगा, देखो यार मैंगो का दोस्त रहेगा ये, बहुत खुश। चलो भाई जल्दी जल्दी जल्दी। तो यार दोस्तों मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा यार, मेरे मैंगो यार इसे देखकर क्या रिएक्शन देता है। तो भाई ये देखो भाई मैंगो, तुम्हारे दोस्त भी आ चुके हैं यार, मैंगो कुछ बोल भी नहीं रहा यार, मैंगो फिर से उसकी जगह पे बैठ गया। होए होए क्या हुआ यार मैंगो को, होए मैंगो और मैंगो के पापा देख रहे यार नए दोस्तों को, तो यार इनको खुश होना चाहिए यार, बट इतना ज़्यादा खुश तो नहीं लग रहा है मुझे, बट थोड़ा कम्फर्टेबल नहीं है इसकी वजह से शायद से। चलो भाई अभी मैं इनको क्या करता हूँ ना, हमारे मैंगो और मैंगो के पास छोड़ दो। ओए मैंगो तेरे लिए दोस्त लाया ना यार, तो नहीं यार कुछ सुन नहीं रहा, तो अभी मैं छोड़ता हूँ फिर आपको मिलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैंने मैंगो के दोस्त वहाँ पे शिफ्ट कर दिए, और ये देखो यार मैंगो और मैंगो के पापा ऊपर ही बैठे हैं यार, ओए क्या पता यार इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। मैंगो का दोस्त रहेगा, ये मैंगो की दोस्त रहेगी दूसरी वाली, फीमेल फ्रेंड रहेगी, और वो और एक यार येल्लो कलर की खा गई यार। भाई मैंने ना यहाँ पे पहले, मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले, तो भाई आपको दिख रहा होगा भाई यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होगी, भाई हमारे पौंड का पानी देख सकते हो यार इतना बढ़ गया यार, देखो यार यार मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी गलती थी यार ये, मतलब पानी बाहर आता तो हमारे फिश के बेबीज भी आ जाते हैं, और फिश भी आ जाते बाहर यार, भाई बहुत जल्दी हमने देखा, अभी बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है यार, इतना कैसे भर गया यार, कल तो बारिश भी नहीं हुआ यार, शायद से ना ये नो लेना ये चालू रह गया था मेरे से, या कोई आया था यार घर वालों से कोई दिक्कत, मतलब भर दिया होगा यार, घर वालों को पता नहीं यार ये पौंड कितना भरते, उनको लगा होगा इसका पानी कम है तो उन्होंने भर दिया, वैसे ऐसा भी अच्छा लग रहा है यार, ठीक है ना।
हमारा पॉन्ड इतना मजबूत बनाया ना भाई, वो लीक भी कुछ नहीं हो सकता। देखो फुल पैक है यार, इसकी वजह से इतना पानी भी परफेक्ट टेंस के लिए। बट यार टेंशन की बात थी यार, और ज़्यादा भरते तो भाई पानी बाहर आ सकता था यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी ए सी भी अच्छा लग रहा है और पानी उसका अभी धूप से ही कम हो जाएगा। अभी हम पानी नहीं कम करेंगे यार, पानी उसका कम हो जाएगा। चलो अभी ना जिस काम है फूड वगैरह कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने इनका खाना पानी शानी सब मैंने भर दिया और अभी सब हमारे जो बर्ड्स है सब एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखो भाई, इसके लिए बहुत जल्दी हम एक साथी लेके आएंगे। जब इनको हम नीचे शिफ्ट करेंगे ना, तब इनके लिए जल्दी से जल्दी इसके लिए कोई और एक फ्रेंड लेके आएंगे। जैसे हमारे मैंगो के लिए हमने फ्रेंड लाए। देखो यार कैसे रह रहे यार, अभी अच्छे कम्फर्टेबल रह रहे यार ये। और मैंने इनको पानी भी रख दिया और हमारे बटर को भी मैंने पानी रख दिया। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। और आज के वीडियो में हमने किया भाई हमारे बजीज के लिए, मतलब हमारे मैंगो के लिए हमने उसका पार्टनर लाया। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। चलते हैं।